किसी भी तरह का फिजूल खर्ची, इसको बोलते हैं प्रदर्शन। फिजूल खर्ची, प्रदर्शन, और आजकल एक अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, शो ऑफ करते हैं ना अंग्रेजी में, कई तरह से आडंबर करते हैं। महर्षि दयानंद इन बातों के बड़े विरोधी थे। ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, असमानता, छुआछात, जात पात, भेदभाव, इनका विरोध करते थे। ये हमारी मेन स्ट्रीम है और आपको ऐसे ही जीना है। और दहेज तो बिल्कुल नहीं लेना है किसी को। फिजूल खर्ची और दहेज के हम सख्त विरोधी हैं। जो दहेज करेगा वो परिवार सहित नरक में जाएगा, जो दहेज लेगा। अब सोच लो, जिस जिसने लिया हुआ है ब्याज सहित वापस कर देना। आदमी इतना लालची है, देखो लोग चोरी चकारी का विरोध करेंगे, चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए, हराम की कमाई नहीं होनी चाहिए। सब लोगों को मैंने देखा, सब लोग कहेंगे हराम की कमाई, बोलो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, चोरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, दूसरे का हक मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। हा? सब कहते हैं चोरी चकारी नहीं करनी चाहिए, हरामखोरी नहीं करनी चाहिए, हक किसी का नहीं मारना चाहिए, लूटमार करनी चाहिए। ये सीधी सीधी लूट मार कह दूसरों का हक मारना है, ये दिन के 12 बजे चोरी है, ये एकदम हराम खोरी है दहेज लेना है। आप सीधा सीधा किसी के घर से बेटी 25 साल में बेटी तैयार करते हैं, उसके ऊपर आज की डेट में बोलो तो आजकल एक बेटी को तैयार करने में कम से कम माँ बाप 5 लाख से लेकर के 25 लाख रुपए तो बेटी को पढ़ाने में खर्च कर देता है। 5 से 25 लाख रुपए तो उसकी पढ़ाई में खर्च कर देता है, कभी कभी तो 1 से 5 करोड़ तक खर्च हो जाते हैं। 5 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक किसमें खर्च हो जाते हैं, बेटी की पढ़ाई में, फिर उसका रहना सहना खाना पीना, 25 साल एक आदमी की, और जीवन कितना कीमती है वो आपको एक सौगात मिलती है शादी में। हम बच्चे थे छोटे, मैं सच बोलता हूं मुझे 25 साल तक इसका मतलब नहीं पता। मैं ऐसे हरियाणा में हम पैदा हुए तो बसों में ट्रकों में लिख रखा, ट्रकों के आगे पीछे बड़े बड़े अच्छे अच्छे मुंह शब्द लिखे रहते हैं, तो हमको 25 साल बाद में तो पता लगा बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। मैंने कहा ये मुंह काला कैसे हो गया इसका, तो फिर सच्चे बहुत दिनों के बाद हमको पता लगा कि अर्थात अपनी नजर बुरी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा, इसका मतलब ये है। अच्छा फिर उसमें लिखा रहता था दुल्हन ही दहेज है, तो मैं गांव में पूछा था दुल्हन ही दहेज का मतलब, अरे बोले दहेज ही तो दुल्हन होती है, दुल्हन ही दहेज होती है, इसमें क्या है। अब वो बताते ही नहीं थे कोई, तो बाद में पता लगा कि भाई ये तो सबसे बड़ी सौगात तो जो बेटी आ रही है दुल्हन ही दहेज है, सबसे बड़ा दहेज जो दुल्हन आ रही है वही दहेज है, जो ऊपर से लोगे तो ये हराम खोरी है, ये सीधा पाप का रास्ता है। ये जो ऊपर से, अब बताओ नौकरी कर रहे हैं ऊपर से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बोलो। तो ये फिर दहेज के साथ ऊपर से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, तो सारे सारे अब ये तैयार हो इस बात के लिए कि या तो मैं अपने ऊपर भरोसा है, खड़े हो जाओ जिनकी शादी नहीं हुई है। बैठियो बैठो तुम लोग, हाँ बेटियों को ये लेते तो यही है, ये पार्टी बदमाश पार्टी है। अब तुम सब लोग हाथ जोड़ के संकल्प लो, जितने भी खड़े हुए सब संकल्प लो। तुम बताओ चोरी करने में विश्वास है तुम्हारा, हरामखोरी में विश्वास है, ऊपर की कमाई में विश्वास है, दूसरे की कमाई में विश्वास है? नहीं है। लेकिन फिर भी यदि तुम आज हाथ जोड़ करके तुम संकल्प लोगे, बोलो सब ओम अग्ने, जोर से बोलो, नीचे वाले बोल रहे हैं खड़े वाले बोलो, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ये आगे वाला टोला जोरदार है,
तच्छकेयम् तन्मे राध्यताम् इदम् अहम् अनृतात् सत्यमुपैमि। हम सब ये संकल्प लेते हैं शादी में दहेज नहीं लेंगे। बेटियां बहुत खुश हो रही है। जो दहेज के पैसे आते हैं घर में, उस घर में कैंसर की बीमारी हो जाती है, उस घर में डायबिटीज हो जाती है, उस घर में शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, उस घर में एक्सीडेंट हो जाता है, उस घर में कोई सुसाइड कर लेता है, उस घर में विकलांग बच्चे पैदा हो जाते हैं, दिव्यांग बच्चे पैदा हो जाते हैं, उस घर में कोई ना कोई और बुरी ऐसी घटना हो जाती है। कोई कहेंगे जी कैंसर, बीपी, शुगर, विकलांगता, दिव्यांगता, क्या इसको आप बुरा मानते हो? मैं बुरा भेदभाव नहीं करता किसी में, लेकिन उनका नुकसान हो जाता है। यदि तुमने जितना भी पैसा हरामखोरी से लिया है वो ब्याज सहित तुम्हें लौटाना पड़ेगा किसी न किसी तौर पर। इसलिए कभी भी ऊपर की कमाई की मत सोचना। हम दहेज के विरोधी हैं, हम छुआछूत, हम जात पात, हम किसी भी प्रकार के भेदभाव, किसी भी प्रकार के ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, इसके विरोधी हैं।